بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد أربي زبان كي أهمية اہمیت अगर किसी भी मुल्क व कौम की सकाफत का अंदाज़ा लगाना हो तो वहाँ की जबान को देख लिया जाए क्योंकि वही है जो अपने दामन में वहाँ की तहजीब सकाफ़त को समोये हुए है और ये किसी भी शख्सियत किसी भी किरदार को बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है लिहाजा जो दो जबानों पर क़ुदरत रखता है तो उसका मतलब ये है कि दो तहजीबें उसकी मुठी में हैं और जो तीन जबानों पर महारत रखता है तो उसका मतलब यह है कि तीन तहजीबें उसके इलम की कलम रो में शामिल हैं मगर ये कि किसी भी इंसान की मदरी ज़बान का उसकी तहजीब की तश्कील में बहुत बड़ा हाथ होता है इसलिए जिसे अपनी कौमी ज़बान के असर और मूज़ की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है तो ना तो उसे अपनी तहजीब से कोई शनासाई हो सकती है और ना ही उसे उसकी गहराई का कोई अंदाज़ा हो सकता है और अरबी ज़बान को तो एक गैरमूली अहतसाज हासिल है जो दुनिया की किसी भी जबान के नसीब में नहीं इसलिए कि उसे कुरान करीम और हदीस मुबारक की ज़बान बनने का एजाज़ हासिल है और हमारे नबी अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मजदूर कुरान जिसने अपने पुरकेफ कलाम बयान और पुरुतलु व बयानी असर रमू से पूरी दुनिया की अकल आज भी दंग कर रखी है वह सारे माह पारे उसी जबान ही के दमन में तो पल्ले पर है جیسا ارشادي ارشاد باريه وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح سے قرآن نازل فرمایا ہے اور ارشاد باريه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لتنذر أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وتنذر يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ इसी तरह हमने आपकी तरफ की वही की है ताकि आप मक्का वालों को और उसके आस पास लोगों को ख़बरदार करें और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं और इर्शद बारी है बिल न मुबीन साफ़ अरबी जबान में है और इर्शद बारी है लपदलू यकीन हमने तुम्हारी जानब किताब नाजिल फ़रमाई है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है क्या फिर भी तुम अक्ल नहीं रखते कुरान करीम ने अरबी जबान को और अक्ल के काम में लाने को एक साथ जोड़ कर देखा है है, यकीन हमने उसको अरबी नाजिल फ़रमाया है कि तुम समझ सको लिहाजा मुसलमानों ने कुरान की इस सजा पर लब्बे कहा और अपनी अकलों को काम में लगा दिया और फिर वो तहजीब के ऐसे ऐसे मोहती छूक कर दुनिया के सामने लाए जिनकी नूर अफसानी का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता और इसी तरह से अल्लाह तबान अरबी को और इल्म की तरफ दावत देने को एक साथ ज़िक्र फरमाया है इरशदारी है ऐसी किताब जिसकी आयतों की वजह तफसील की गई है इस हाल में के कुरान अरबी जबान में है इस कौम के लिए जो जानती है ताकि मुसलमानों के दिलों में तलब इल्म का जोश पैदा हो जाए और वो अपने आप को तकवा से आरास्ता कर लें जैसा कि अरशद दिबारी है

और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि दीन की सही समझ और कुरान हदीस से अहकाम का दुरुस्त इस्तेबान अरबी की सही और तहिक समझ पर ही मौकूफ़ है क्योंकि जबान ही दीन को समझने की कुंजी है इसी मफूभ में अब्दुल्लाबन अबैसा का ये कौन मुला कीजिए वो फरमाते हैं मुझे फातवती का मान मालूम नहीं था फिर जब मेरे पास दो बदबुल कमवे के बारे में अपना झगड़ा लेकर आए तो इनमें से एक ने कहा अना यानी मैंने उसको पहले बनाया था तो मुझे पता चरा के फात्र का क्या माना होता है बल्कि अहल असूल फुकम और उनके अलावा दिगर हजार नेरबी जबान और उसके हरूफ को इश्तहाद की सबसे अहम शर्तों में से माना है इसी तरह से कोई इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि अरबी जबान और उसके असर और मुझ से नाकफियत उसकी इबारतों और उसके मुतल की समझ में कम आएगी और अमल के मैदान में उसके असरों और की बरवाह किए बगैर उसके ज़ाहरी मन पर आसूदगी इंसान को बहुत बड़ी खतः में मुबला कर देता है और कभी कभी तो इस खत का असर उस शख्स को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ पर वो नाजायज कुर्रेज़ी करने को कर सवाब समझने लगता है इसीलिए किताब सन्नत का समझना फ़र्ज है जो कि अरबी जबान को सीखे बगैर मुमकिन नहीं है और अगर कोई चीज़ ऐसी है और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके बगैर फ़र्ज की अदायगी मुमकिन ना हो तो वो चीज़ भी फ़र्ज ही की मंजिल में होती है हजरत हज़रतरन खतब रजी फरमाया करते थे अरबी सीखो क्योंकि वो तुम्हारे दिन का ही एक हिस्सा है अब्दुलमिकब्दरवानर फरमाया करते थे अपनी ज़बानों की असलाह करो क्योंकि किसी आदमी के ऊपर अगर कोई नागहानी आ पड़े तो वो कपड़ा या सवारी तो उधार ले सकता है लेकिन अगर ज़बान ख़राब हो जाए तो वो किसी से उधार नहीं ले सकता और आदमी का असल जमाल तो उसकी फ़साहत में मुज़मर है दरदरान इस्लाम इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान की जबान पूरी उम्मत के इल्मी वर्षा को जमा और उसकी निगाहबान है और तारीख के हर दौर की फिक्र सकाफत की ने रंग उसके सीना में आज भी महफूज हैं और फिक्र उम्मत के दवाम के भी यही जामिन है और ये बात भी यकीनी है कि कौमों का वजूद उनकी ज़बान के वजूद से मुरतब होता है लिहाजा वो कौमें जिनकी ज़बानें सफाई हस्ती से मत गए तो वो भी तारीख के अंधेरों में कहीं गुम होकर रह गए या फिर दूसरी कौमों की तहजीबें उनकी तहजीबों को बेरहमी के साथ निकल गए यही वजह है कि अपनी ज़बान पर तोज् सरफ़ करना अपनी पहचान के लिए तोजो सरफ़ करने के मुतारफ़ है उसकी हिफाजत के लिए तगवो करना अपनी तहजीब की हिफाजत के लिए तगवो करने जैसा है जबान ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सफ़ के मतहद होने का पता देती है आपके मकसद की अगानीयत से बाखबर करती है और आपकी फ़िक्र यकजहती का सबूत पेश करती है इसी तरह से ज़बान किसी भी कौम या फिर किसी भी कल्चर का सबसे अहम तहजीबी मखजन हुआ करता है इसलिए आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खबलत से बेदार हो जाएँ और हर इस तूती क़वत का दत कर सामना करें जो हमारी तहजीब को मचाना चाहती हैं और पूरी मेहनत व लगन से हर वो काम करें जिससे हमारी तमदनी दिफाई पोजिशन इतनी मजबूत हो जाए कि फिर उसके सबने कितनी ही तूफ़ानी मौजें सर क्यों ना उठाएँ लेकिन वो उसकी सलाबत के आगे सिर्फ एक अदना साबित होकर रह जाएँ और ये सब इसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम कुरान की जबान के लिए मेहनत शर्फ करें इस पर अपनी तवज्जो लुटाएँ क्योंकि वो हमारी तहजीब की कुंजी है इस पर फख्र करना अपनी तहजीब पर फख्र करना है और उसकी खिदमत करना दीन व वतन की खिदमत करने के मुतरदफ है ए अल्लाह मिस्र और दुनिया के तमाम ममालिक को हर बला से महफूज़ फरमा आमीन